अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग डिशेस विद अंजुम। आज हम बना रहे हैं वेज दीवानी हंडी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूले, जिससे आपको नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए एक गाजर लेंगे, 150 ग्राम फ्रेंच बीन लेना है, दो कैप्सिकम, पाव किलो कॉलीफ्लावर लेंगे, फ्रेश मटर लिया हमने 150 ग्राम्स, दो आलू लेंगे, तीन टमाटर लेना है, एक प्याज लेंगे, पांच हरी मिर्च लेना है, दही लेंगे चार टेबलस्पून, दो तेजपत्ता, दो लौंग, एक बड़ी इलायची और दो दालचीनी लेंगे, कसूरी मेथी दो टेबलस्पून लेना है, गरम मसाला लेंगे हाफ टीएसपी, दो टीएसपी हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है, दस काजू लेंगे, ड्राई स्पाइसेस में आपको धनिया पाउडर लेना है हाफ टीएसपी, नमक लेंगे, जीरा पाउडर हाफ टीएसपी, हल्दी लेंगे हाफ टीएसपी और दो टीएसपी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेना है, हाफ टीएसपी जीरा लेना है, 3/4 कप हमने तेल को गरम करके इसमें कांदा डालेंगे, टमाटर डालेंगे, ऐसे सॉफ्ट इन तक हमें इसे पका लेना है हाई फ्लेम पर, काजू भी डालेंगे इसमें और 2 मिनट के लिए इसे सौते कर लेंगे। अब इसे हम निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे ब्लेंडर जार में। ये कांदा टमाटर डालना है और हरी मिर्च डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट बनाना है आपको। ये पेस्ट बन गया है, इसे साइड में रख देंगे। इसी तेल में हमने खड़े गरम मसाले डालना है, जीरा डालेंगे, 2 मिनट के लिए इसे सौते कर ले, ये ब्लेंडेड पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर और लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। दही डालेंगे इसमें, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले, पूरी ड्राई स्पाइसेस डाल दें इसके अंदर, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे इसमें, अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स करके लो फ्लेम पे पकाना है जब तक तेल सेपरेट नहीं होता है। तेल सेपरेट होने के बाद में इसके अंदर ये वेजीज डाल देंगे, इसे कवर करके हमें पकाना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। 5 से 6 मिनट के बाद इसे चेक कर ले, मिक्स करेंगे, इसके बाद फिर से हमें इसे कवर करना है और 5 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे। अब ये वेजीज अच्छी तरह से पक चुके हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं, ज़्यादा आपको गलाना नहीं है। इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, गरम मसाला डालें और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। वेज दीवानी हंडी तैयार है। आप इसे हांडी में सर्व करेंगे और रोटी के साथ सर्व करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।